हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, एक नया दिन और फिल्मी दुनिया से जुड़ी नई खबरों के साथ शुरू हो चुका है द सिनेमा शो। आगे बढ़ने से पहले लेकिन एक जरूरी ऐलान, द ललन टॉप टीम और हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी आप जानते हैं निकल चुके हैं अपनी यूपी यात्रा पर, ये जानने के लिए कि असल में क्या हाल है यूपी। अब चुनावी मुद्दों पर बातचीत हो या फिर वो कहते हैं ना अनकट व्लॉग्स आपको देखने हो, बिहाइंड द सीन्स आपको देखने हो, तो बस उसके लिए नया पता नोट कर लीजिए, ललन टॉप यूपी हमारा नया यूट्यूब चैनल है और इसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करो सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं, बताना भूल गई, मेरा नाम सोनाली है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की, जिसकी शूटिंग फिर से शुरू हो गई है। फिर से इसीलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद करीना ने कुछ वक्त का ब्रेक ले लिया था, अब उन्होंने एक बार फिर शूटिंग शुरू कर दी है। लाल सिंह चड्ढा के सेट से उनकी और आमिर की कुछ फोटोज भी सामने आई। फिल्म में आमिर करीना के साथ साउथ स्टार नागा चैतन्य भी नजर आएंगे, वो आमिर के दोस्त का किरदार निभाएंगे। नागा चैतन्य की ये पहली हिंदी फिल्म होगी। लाल सिंह चड्ढा साल 1994 में आई मूवी फॉरेस्ट गम की हिंदी रीमेक है। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, ये जल्द ही अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने अनाउंसमेंट की कि बेल बॉटम 16 सितंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। अपने एक स्टेटमेंट में अक्षय कुमार ने कहा कि थिएटर्स के बाद अब समय है कि इस कहानी को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और इससे बेहतर क्या होगा कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाए। विक्की कौशल की मच अवेटेड फिल्म सरदार उधम सिंह को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये जो फिल्म है मूवी थिएटर्स की जगह डायरेक्ट OTT पर रिलीज हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 16 अक्टूबर को रिलीज किया जा सकता है। सरदार उधम सिंह की शूटिंग दिसंबर 2019 में खत्म हो चुकी थी, मगर उसके बाद कोरोना और लॉकडाउन की वजह से चीजें फिट नहीं हो पाई। ये बड़े बजट की बायोपिक है। कुछ दिनों पहले विक्की ने एक तस्वीर शेयर करके ये भी बताया था कि उन्होंने फिल्म की डबिंग पूरी कर ली है। सुजीत सरकार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पहले 2 अक्टूबर 2020 को रिलीज होने वाली थी। शाहरुख खान ने बीते दिनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बालकनी में खड़े फैंस को वेव कर रहे हैं, उनसे रूबरू होते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को सबसे पहले करण जौहर ने अपने अकाउंट पर शेयर किया, लिखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देखूंगा जब बॉलीवुड के बादशाह भी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट महसूस करेंगे, अब मैंने सब कुछ देख लिया है। शाहरुख ने इसका रिप्लाई करते हुए लिखा, हाँ पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों, बताया जा रहा है कि SRK जल्द ही डिजिटल डेब्यू कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान एक वेब सीरीज में नजर आएंगे जिसे Disney+ Hotstar पर रिलीज किया जाएगा। वैसे इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है। टीवी के मशहूर शो इनटू द वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स के साथ कई सेलिब्रिटीज हिस्सा ले चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, सुपरस्टार रजनीकांत और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इस एडवेंचर शो में दिखाई दे चुके हैं। अब गेस्ट लिस्ट में अजय देवगन का नाम भी शामिल होने वाला है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन जल्द ही जंगल में सर्वाइव करने का तरीका दिखाते नजर आएंगे। स्पेशल एपिसोड की शूटिंग मालदीव्स में की जाएगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो अजय रिसेंटली भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आए थे, जल्द ही वो आलिया भट्ट की RRR और मैदान में दिखाई देंगे। बीते दिनों गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता द कपिल शर्मा शो में स्पेशल गेस्ट बनकर पहुंचे। इसी एपिसोड के लिए कृष्णा ने शूटिंग करने से मना कर दिया था, जिसके बाद गोविंदा की वाइफ सुनीता ने कृष्णा को लेकर लंबा चौड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा है ये झगड़ा सुलझने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब सुनीता के बयान पर कृष्णा की वाइफ कश्मीरा ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा, मुझे इस पूरे फसाद में 2 पैसे का इंटरेस्ट नहीं है, ये लोग मेरे लिए पिछले कई सालों से एग्जिस्ट नहीं करते। वैसे आपको मुझसे पूछना है तो प्रियंका चोपड़ा के बारे में पूछिए, कटरीना का पूछिए, ये सुनीता कौन है? मैंने खुद अपना नाम कमाया, मेरी पहचान किसी के पत्नी के रूप में नहीं दी जाती है, तो मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती। कृष्णा ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि वो सब कुछ भगवान पर छोड़ते हैं। बीते कई दिनों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता और उनके को स्टार राज अनादकत के बीच रिश्तों की एक अफेयर की खबरें आ रही थी। लोगों ने इन खबरों को लेकर मुनमुन को खूब ट्रोल किया, भद्दे भद्दे कमेंट्स किए, मीम्स बनाए। अब एक्ट्रेस ने पोस्ट करके ट्रोल्स को फटकार लगाई है। मुनमुन ने लिखा, मीडिया और जीरो क्रेडिबिलिटी वाले जर्नलिस्ट, किसी के भी प्राइवेट लाइफ के बारे में इस तरह की काल्पनिक बातें आपको छापने की आजादी किसने दी है, और वो भी उनकी मर्जी के बगैर। आपके इस खराब बर्ताव से सामने वाले की इमेज को
जो नुकसान पहुंचता है, क्या आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? आप टीआरपी के लिए उस औरत तक को नहीं छोड़ते जिसने कुछ समय पहले अपना प्यार खोया या अपना बेटा खोया। आप सेंसेशनल खबरें बनाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर पड़ते हैं, लेकिन क्या आप उनकी लाइफ को बर्बाद करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं? अगर नहीं तो आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने एक और पोस्ट करके लिखा, सभी आम लोगों के लिए मुझे आपसे काफी बेहतर उम्मीदें थी, मगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो गंदगी फैलाई है, कथित पढ़े लिखे लोगों ने भी, उससे पता चलता है कि कितनी पिछड़ी हुई सोच का समाज है हम। केवल आपके मजे के लिए महिलाओं को लगातार उनकी उम्र और संबंधों को लेकर नीचा दिखाया जाता है, फिर भले ही आपके मजे के चक्कर में कोई व्यक्ति मेंटल ब्रेकडाउन की स्थिति में ही क्यों ना पहुंच जाए। लोगों का पिछले 13 सालों से मनोरंजन कर रही हूं, लेकिन लोगों को 13 मिनट नहीं लगे मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाने में। अगली बार कोई इतना डिप्रेस हो जो अपनी जान लेना चाहे तो रुककर एक बार सोचना जरूर कि आपके शब्द उसे अंत की तरफ ले जाएंगे या फिर नहीं। आज मुझे खुद को भारत की बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। मुनमुन दत्ता का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक थलाइवी रिलीज हो चुकी है। कंगना रनौत को फिल्म के लिए काफी तारीफें मिली। उनके रियल लाइफ बयानों को नापसंद करने वाले सिमी गरेवाल भी उनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जयललिता चाहती थी कि उनकी बायोपिक में ऐश्वर्या राय बच्चन काम करे। सिमी ने ट्वीट किया, लिखा, मैं कंगना रनौत के कॉमेंट का समर्थन नहीं करती, लेकिन मैं उनकी एक्टिंग और टैलेंट को सपोर्ट करती हूँ। उन्होंने फिल्म में अपना दिल निकाल कर रख दिया। जया जी चाहती थी कि ऐश्वर्या राय इस भूमिका को निभाएं, लेकिन मेरा मानना है कि जयललिता कंगना की भूमिका को भी पसंद करते हैं। अरविंद स्वामी ने MGR के रूप में बहुत अच्छा काम किया है। सिमी ने अरविंद स्वामी की तारीफ में एक और ट्वीट किया, साथ ही ये भी कहा कि फिल्म में जयललिता का बचपन भी दिखाना चाहिए था। फिल्म प्रोडक्शन की दो बड़ी कंपनियां टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आने वाले समय में 10 से ज्यादा फिल्में साथ मिलकर बनाने वाली हैं। इन फिल्मों का बजट कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपयों का होगा। दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर अलग अलग जॉनर की फिल्में बनाएंगी। इसमें एक्शन थ्रिलर, बायोपिक, क्राइम थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर, कोर्टरूम ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा और सच्ची घटनाओं पर आधारित कुछ इंटरनेशनल फिल्मों के हिंदी रिमेक भी होंगे। आने वाले 1-2 सालों में इन फिल्मों पर काम शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस डील के अंडर बनी पहली फिल्म साल 2022 के अंत में वर्ल्ड वाइड रिलीज की जा सकती है। सलमान खान इन दिनों टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी हैं। खबर थी कि इसे खत्म करने के बाद वो बिग बजट फिल्म कभी ईद कभी दिवाली पर काम शुरू कर सकते हैं, मगर फिर बताया जाने लगा कि ये फिल्म फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है, क्योंकि सलमान की हाल ही में आई राधे को ठीक ठाक रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट ये खबरें कोरी अफवाह निकली। प्रोडक्शन हाउस नारियाडवाला मूवीज ने ट्वीट करके बकवास इसे बता दिया। लिखा, हम इस तरह की बकवास खबरों को खारिज करते हैं। फिल्म के लिए सेट बनाया जा चुका है और गाने भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। फिल्म की शूटिंग 2 महीने के भीतर शुरू होगी। फहाद सामजी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में सलमान के ऑपोजिट पूजा हेगड़े नजर आएंगी। तो बस आज के शो में आपके लिए इतना ही। मुलाकात होगी कल नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।